हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आपके लिए मैथ की शानदार सी क्लास लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज की क्लास हम तीसरा भाग पढ़ेंगे औसत का। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, आज बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए मैं। सबसे पहले तो होमवर्क में हम प्रश्न करेंगे जो आपको दिया था। दोस्तों, आपको क्लास के आखिर में भी एक होमवर्क का प्रश्न मिलता है, ठीक है साथियों, उसको भी हल करना ना भूले और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिया करें। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, होमवर्क का प्रश्न देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। पांच संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 25 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, यानी तीसरी संख्या क्या है? देखिए, पांच संख्याओं का औसत कितना दिया है हमसे? 20। हम इसका क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे योग निकाल लेंगे, कितना हो गया? 100 हो गया। और प्रथम दो का कितना है औसत? प्रथम दो का औसत 15 है, कितना आ गया यहाँ पे? योग 30 आ गया। अंतिम दो का कितना है? अंतिम दो का औसत जो है 25 है, इनका योग कितना आ गया अंतिम दो का? 50 आ गया। देखो, पहली दो और अंतिम दो, इन चारों को हम जोड़ लेंगे, कितना होगी? चारों को जोड़कर योग इनका कितना हो गया? 80 हो गया। पांच का योग कितना है? 100 है। पांच के योग में से अगर चार का योग हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यही क्या आपकी तीसरी संख्या? तीसरी संख्या क्या है आपकी? 20। आप इसको बिना पेन चलाए भी हल कर सकते थे। वो कैसे? देखिए, आपको पता लग गया पांच संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। मन में सोच लिया आपने, कितना हो गया योग? 100 हो गया। 15 का योग, पहली दो संख्याओं का योग कितना है? 15 औसत है तो योग कितना हो गया? 30 हो गया। अंतिम दो का कितना हो गया? 50 हो गया। आपने जोड़ लिया 50 और 30, 80 होते हैं। डायरेक्ट 100 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 20। यही आपका उत्तर होगा। जो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं उनके लिए ये ट्रिक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए साथियों, देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास के जो प्रश्न है वो आयु से संबंधित है, यानी औसत आयु से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है साथियों। देखिए पहला प्रश्न, एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है साथियों। माता पिता तथा उनके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, कितनी है? 27 वर्ष। पुत्र की सॉरी दोस्तों, आयु कितनी है आपको यहाँ पर? पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, माता और पिता दो व्यक्ति हो गए ना, तो दो की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष, ठीक है साथियों। फिर उसने बोला, माता पिता और उनके पुत्र, तब कितने व्यक्ति हो गए? तीन व्यक्ति हो गए, तो इनकी औसत आयु कितनी है? 27 वर्ष। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आप 35 लिख लीजिए, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 35 वर्ष है। देखिए, ये आयु कितनी है यहाँ पर? माता पिता की जो औसत आयु हुआ है वो 35 वर्ष है। देखिए, यहाँ पे आप 35 लिख लीजिए। अब देखिए, माता पिता की आयु का योग कितना हो जाएगा? 70 वर्ष। और इन तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से? 27 या कितने होते हैं आपके? 81, यानी 81 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की आयु में से अगर माता पिता की आयु घटा दें तो किसकी आयु बचती है? पुत्र की आयु बचेगी। 81 में से अगर हम 70 घटा दें तो कितना बचेगा? 11 वर्ष, ठीक है साथियों। कितने हो जाएगी? 11 वर्ष। अगर आप इसको बहुत ही इससे भी छोटा करना चाहते हैं, यानी इससे भी शॉर्ट में करेंगे, तो देखिए कैसा करना है आपको, और आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। दो व्यक्ति की आयु कितनी है औसत? 35 वर्ष है। जब तीन व्यक्ति होते हैं तो आयु कितनी हो जाती है?
27 वर्ष, कितनी हो जाती है 27 वर्ष। तो आयु में कितना गिरावट आ रही है, आयु में कितनी गिरावट आ रही है औसत आयु में, आप कहेंगे 8 वर्ष की गिरावट आ रही है औसत आयु में। दो व्यक्ति थे पहले, औसत आयु गिरकर जब तीन व्यक्ति होते हैं तो 27 हो जाती है। कितनी गिर रही है प्रति व्यक्ति, 8 वर्ष गिर रही है। तो ये 8 वर्ष माता पिता ने किसको दे दिए, लड़के को दे दिए, यानी 8 माता की कम हुई, 8 पिता की कितनी वर्ष कम हो गई, 16 वर्ष, और 27 औसत है ये आपका। तो कितने लेकर आया हो, 16 तो माता पिता ने दे दिए, 27 उसकी टोटल हो रही है, तो आप इसमें से 16 घटा दीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 वर्ष। डायरेक्ट निकाल सकते थे आप यहाँ से। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा लिख दिया, इस वजह से आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में लगा होगा, अन्यथा आपको इसको देखते ही बिल्कुल छोटा सा सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए साथियों देखिए अगला प्रश्न क्या है। 36 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष है, शिक्षक की आयु शामिल करने पर औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, शिक्षक की आयु कितनी है। दोस्तों 36 छात्र हैं क्लास में जिनकी औसत आयु 14 वर्ष है, एक शिक्षक के शामिल होने पर औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, कितने की, एक वर्ष की। तो शिक्षक की आयु कितनी है, इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक बहुत ही शॉर्ट और एक उससे भी शॉर्ट, ठीक है साथियों। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 36 छात्र हैं उनकी औसत आयु कितनी है 14 वर्ष, हम इसका योग निकाल लेंगे, 14 6 84 का 4 का और 14 3 42 और 8 50, इनका योग हो गया 504। अब शिक्षक भी शामिल हो चुका है, अब शिक्षक भी शामिल हो चुका है छात्रों में, तो संख्या कितनी होगी, व्यक्ति कितने हो गए, 36 थे पहले, अब कितने हो गए, 37 हो गए कि नहीं हो गए, कितने हो गए 37 हो गए, उनकी औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो गई, पहले 14 थी अब कितनी हो गई 15, अब कितनी हो गई 15 वर्ष। देखिए 15 5 15 7 दोस्तों कितने होते हैं 105, हासिल कितने लगे 10, 15 3 45 45 10 55। अब 37 सदस्यों में तो 31 सदस्यों की आयु घटा दीजिए आप, शिक्षक की आयु आपको मिल जाएगी 555 में से आप 504 घटाएंगे, 5 में से 4 गए कितने बचेंगे 1, 5 में से 0 घटाएंगे 0 से तो कितना बचेगा 5 ही बचेगा, और 5 में से 5 घटाएंगे 0, तो क्या आ गई 51 वर्ष शिक्षक की उम्र आ गई, यहाँ पे शिक्षक की आयु है दोस्तों, शिक्षक की आयु। अब देखिए इससे भी शॉर्ट कैसे कर सकते हैं आप इसको, वृद्धि कितनी हुई है, एक वर्ष की कितनी हुई है वृद्धि, एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है कितने में, औसत में, औसत पहले 14 था अब कितना हो जाएगा, एक वर्ष की वृद्धि होगी। तो सोचो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, कितने हो गए, अब कुल व्यक्ति कितने हैं 37, वृद्धि कितनी हुई है एक वर्ष की, प्रत्येक की आयु में एक वर्ष की वृद्धि कर देंगे तो कितने वर्ष बढ़ी होगी, 37 है तो 37 वर्ष ही वृद्धि हुई होगी ना, हुई होगी, वो पहले औसत कितना था 14, 37 और 14 को आप जोड़ दीजिए, 7 और 4 कितने 11, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, तो आयु कितने आ गई 51 वर्ष। आप बहुत ही शॉर्ट भी कर सकते थे इसको, मैंने दोनों तरीके बता दिया आपको, जो सो आपकी समझ में आया हो उससे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो कंटेंट नंबर 1 मिलेगा, आप पूरी यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, इससे शानदार तरीका आपको कोई बता दे इसको, इससे शॉर्ट तो मैं इस वीडियो को ही डिलीट कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। देखिए दोस्तों
आठ पुरुष हैं यहाँ पे, उसने हमें उनकी औसत आयु नहीं दी है, दो पुरुष की दी है, दो पुरुष की आयु दी है, दो पुरुषों की जो है आयु दी है उसने हमें, कितनी है, एक की 21 वर्ष है वह 23 वर्ष। ठीक है साथियों, अब देखिए हम इन दोनों की आयु का योग निकालें, योग कितना है इन दोनों का, योग देखते हैं तो कितना है 44 हो गया हमारे पास योग। अब व्यक्ति कितने हैं, आठ, दो, इन दो के स्थान पर नए दो आते हैं जब, तो तब दो वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब ध्यान करें, आठ व्यक्ति हैं, प्रत्येक की आयु में कितनी वृद्धि हो रही है, औसत आयु में दो वर्ष की वृद्धि हो रही है, आप दो वर्ष की वृद्धि, अगर दो वर्ष की वृद्धि हो रही है तो दो दो सभी की आयु में बढ़ रहे होंगे कि नहीं बढ़ रहे होंगे, बताइए आप, जब दो दो सभी की आयु में बढ़ रहे हैं तो कितनी बढ़ रही है, कुल आयु कितनी बढ़ी है, आठ दुनी 16, 16 वर्ष की कुल कितनी हो रही है वृद्धि। ठीक है साथियों, 16 वर्ष की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी जो नए व्यक्ति आए हैं दो, वो पहले वालों से 16 वर्ष आयु अधिक लेकर आए हैं, तो पहले वाले की आयु का योग कितना है 44, कितना है 44, नए आए हैं उनकी एक्स्ट्रा कितनी आयु लेकर आई है, वो यानी उनसे ज़्यादा आयु लेकर आए हैं, कितनी 16 वर्ष, ये जोड़ी है इसमें, तो हमें नए वालों की आयु का योग मिल जाएगा, कितना है 4 और 6 10, 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, यानी दोनों की आयु का जो नए व्यक्ति आए हैं 60 वर्ष योग है। अब दो व्यक्ति हैं, औसत आयु चाहिए तो 2 से इसको आप भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 30 वर्ष, 30 वर्ष कितनी होगी उन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपकी समझ में नहीं आया है, जो दो पुरुष गए हैं उनके स्थान पर नए व्यक्ति आ जाते हैं, उनके आने से जो है औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, जब 2 वर्ष की वृद्धि होगी तो इन आठ में होगी ना, पूरे आठ आठ को जो है औसत आयु 2-2 वर्ष बढ़ गई, तो कुल कितनी आयु बढ़ी 16 वर्ष, यानी वो 16 वर्ष आयु अधिक लेकर आए जो पहले दो थे उनके मुकाबले, तो जब 16 वर्ष अधिक लेकर आए उनकी आयु कितनी थी 44 वर्ष योग था दोनों की आयु का, उनमें 16 वर्ष और जोड़ देंगे तो हमें नए वालों की आयु का योग मिल जाएगा, और उसको 2 से भाग दीजिए उनकी औसत आयु आपको मिल जाएगी। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं क्लास में क्या है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है। दोस्तों कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं, लड़के कितने हैं 30 लड़के, इनकी औसत आयु 16 वर्ष है, 20 लड़कियां हैं, इनकी औसत आयु 14 वर्ष है, कक्षा के पूरी यानी पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे आप इस प्रश्न को, पहले आप बुआइस की निकालिए आयु का योग, 30 लड़के हैं औसत आयु कितनी है 16 वर्ष, और लड़कियां कितनी है यानी गर्ल्स कितनी है 20, उनकी औसत आयु कितनी है 14 वर्ष, इन दोनों की आयु का योग निकालिए, सबसे पहले तो 16 3 48 और एक जीरो निकाल लगा देंगे आप यहाँ पे, 14 2 28 और जीरो, आप इन दोनों की आयु का बॉयज और गर्ल्स की आयु को जोड़ दीजिए, देखिए जीरो की जीरो आ गई, 8 2 16 हासिल लगाए एक, 4 और 2 6 और दो कितने लगे यानी एक हासिल लगा, कितने हो गए 760, कुल कक्षा का योग हो गया, ये कुल संख्या से आप इसको भाग दे दीजिए, कुल योग कितना है पूरी कक्षा का 760, कुल छात्र कितने हैं पूरी कक्षा में 50, 50 से आप इसको भाग दे दीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगी। अब पाँच का देखिए, 5 का पहाड़ा 7 में चलेगा एक बार, बच्चे कितने 2, इधर से 6 उतारेंगे कितना हो जाएगा 5 5 25, अब कितना बचा एक बचा, पहाड़ा नहीं चलेगा, आप यहाँ पे दशमलव लगाइए और यहाँ पे जीरो लगाइए,
पांदुनी 10, तो ये कितनी आ गई 15.2 वर्ष औसत आयु आ गई पूरी कक्षा की। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है? ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस प्रश्न को जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों चैनल पर अभी तक आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।